ये ब्लू कलर का साड़ी वेयर किया है, ब्लू एंड पिंक, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है। आई होप आपको अच्छा लगे। हेयर स्टाइल मुझे इतनी नहीं आती, खुद के हेयर पे मैं दूसरों की बना सकती हूँ, तो आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा हो। और अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो ये लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल और बेल आइकन भी दबा दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है उसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। अभी चल रहा है हर ऐप पे 50% का ऑफ, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिए क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली का ऑफ़र काफ़ी बेस्ट होता है, तो वहाँ से आप सब चीज़ परचेस कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने ली है वो की लिंक मैं आपको दे दूँगी। और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो करवा चौथ की है, तो वो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। और ये 3rd मेरा करवा चौथ लुक मैंने क्रिएट किया है, जिस ये ब्लू कलर का है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपका कलर, जिस तरह जिस मेथड पे मैं बताती हूँ अगर आप मेथड से फॉलो करते हैं तो काफ़ी आपका लुक भी अच्छा होगा और मेकअप भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। और अच्छे से अच्छे सस्ते प्रोडक्ट में आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लैक्मे मॉइस्चराइजर क्रीम लिया है, ये पीच मिल्क है, तो चलिए इसे लगाते हैं। मैंने क्लिंजिंग टोनिंग कर लिया था पहले और मॉइस्चराइजर लगा लूँ। आप कभी भी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि ऑयली स्किन हो चाहे कोई भी स्किन हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है कलर एसेंस का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस है। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट मैंने लिया है ऑनलाइन उसकी बाय लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। और जो मैंने मार्केट से लिए हैं उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। प्राइमर आपको ओपन पोर्स है वहाँ पर ज़्यादा लगाना है ताकि वो आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर दे और फाउंडेशन लगाने के टाइम वो खड्डे खड्डे ना दिखे। वो आपके प्राइमर लगाने का मतलब है आपके जो ओपन पोर्स जो खड्डे हैं उसको फील कर देता है, तो जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट लुक आता है, धब्बे धब्बे लुक और धब्बे धब्बे नहीं दिखते वो। तो यहाँ पर लगा के हो गया है मेरा प्राइमर, तो चलिए फाउंडेशन लगाते हैं। आज मैं 2 फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, एक टीवी पेंस्टिक का क्राइलॉन का और लैक्मे फाउंडेशन लिक्विड। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे लगाती हूँ। ये मेरा शेड FS 38 है, आप अपने शेड के हिसाब से ले सकते हैं, तो इसे मैं अप्लाई करूँगी। ये एक शेड मैंने लाइट लिया है क्योंकि जो मेरा लैक्मे का फाउंडेशन है वो थोड़ा डार्क है, तो उस हिसाब से आप फाउंडेशन चूज़ करें। और नाइट के लिए आप कुछ मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर से। और यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं बट मुझे ब्रश से ही जमता है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्टली ब्लेंड हो रहा है साउंड ये और अपना मॉइस्चराइजर और प्राइमर की वजह से। और ये अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद से ये लैक्मे का फाउंडेशन लगाऊंगी। ये लिक्विड फाउंडेशन है, आप शेड अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये शेड डस्की है, इसका शेड थोड़ा डार्क में है ये, तो इसे मैं थोड़ा अपने हाथ पे लूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ एक मिनट। ये देखिए मैंने ज़रा सा लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैं एक उसी ब्रश की मदद से मैं टैप टैप करके लगा लूँगी तो मेरे स्किन टोन का हो जाएगा। आप कभी भी अगर आपके पास लाइट शेड आ जाता है तो आप एक डार्क शेड लेके उसे ये कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आपका शेड खुद बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि अब जितने शेड के हैं उतने शेड का आपको प्रोडक्ट लेना है, नहीं आप दो शेड का या तीन शेड का लेंगे तो भी उसको मिला के आप काफ़ी शेड्स बना सकते हैं उसमें। ये देखिए अच्छे से कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया, ये आंखों के नीचे आप अपने फिंगर की मदद से लगा सकते हैं। ये टीवी पेन स्टिक में लगा रही हूँ। जो एरिया में आपका ब्रश नहीं लग सकता लगा सकता वो आप अपने फिंगर की मदद से लगा सकते हैं। और देखिए इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है, ये फुल कवरेज है ये फाउंडेशन। तो चलिए आज आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। बेस मैंने लगा लिया है थोड़ा सेट होने के लिए। आप कभी भी आई मेकअप करें थोड़ा आप बेस लगा लें कि ताकि वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक टेप लगाऊंगी, आज मैं विंग क्रिएट करने वाली हूँ तो इसके लिए मैं सेलो टेप लगाऊंगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड टेप लगा लिया है। तो चलिए पहले आईब्रो फिल करते हैं, उसके बाद आपका हम कलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आईब्रोज पेंसिल ली है ब्राउन कलर की, ये मिस रोज़ की है, आप आई शेडो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले ड्रॉ करके लिया है मैंने अपने आईब्रोज। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसी आईब्रो पेंसिल के पीछे एक ब्रश दिया हुआ है तो उसी से मैं स्मच करूंगी इसको। और अच्छे से प्रोडक्ट आपको स्मच करना है, अगर आप स्मच करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है आपका बेस। और कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हो तो वो मेल्ट होने का या स्प्रेड होने का डर नहीं रहता। ये देखिए। और यहाँ पे मैंने मिस गोल्ड की पैलेट ली है, इसी में से मैं आज आई शेडो लगाने वाली हूँ। तो आज मैं ब्लू और पिंक में मैं जाऊँगी क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ब्लू और पिंक है तो उस हिसाब से आज आई शेडो करेंगे। पहले मैंने NY की पेंसिल ली है, ये गोल्ड में है तो इससे पहले मैं पहले बेस लगा लूँगी ताकि मैं आई शेडो लगाऊँ तो काफ़ी अच्छे से लग जाए। आप एक शेप बना सकते हैं अगर आपको वो कलर से आप शेप नहीं बना सकते तो। ये देखिए दोनों आईज पे मैंने लगा लिया है इसे, ये काफ़ी क्रीमी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसके लिंक मैं दे दूंगी। अभी ऑफर्स चल रहे दिवाली के सारे ऐप्स पे, तो जो जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है जो जो मैंने बाय किया है ऑनलाइन तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लें। और यहाँ पे मैंने मेरी साड़ी का कलर ले लिया है थोड़ा सा और इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी मैं। आप आई शेडो लगाने के टाइम थोड़ा पेशेंस रखें, घाई ना करें नहीं तो फिर आपका आई शेडो खराब हो सकता है। और इसे मैं थोड़ा थोड़ा लोअर लैश पे भी करती जाऊंगी क्योंकि टेप मैंने ऐसा लगाया है वी सेक्शन में लगाया है तो जब मैं टेप निकालूंगी तो वी सेक्शन ही आएगा मेरा। ये देखिए आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मैंने लगा लिया है दोनों साइड और आप देख सकते हैं मैंने नीचे साइड भी थोड़ा सा कलर लगाया है जो साड़ी का कलर है। तो अभी लगाते हैं पिंक जो मिडल एरिया है और यहाँ पे भी मैं पर्पल लगाऊंगी, मिडल एरिया में मैं पिंक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश से पिंक ले लिया है शेड और इसे मैं लगाऊंगी।
देखिए, और ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिया है। ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ऊपर की लिड पे हाइलाइटर लगाऊंगी। हाइलाइटर भी मैं आई शेडो के पैलेट से ही सिल्वर शेड ले रही हूँ। ये देखिए, और दोनों आईज पे लगाना है आपको। और यहाँ पे फिंगर की मदद से मैं लूज ग्लिटर लगाऊंगी थोड़ा शिमरी टच देने के लिए, और ये मैं फुल आईलिड पे प्लेस करूंगी। आप देख सकते हैं हाइलाइटर लग गया है। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश लेके मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे ब्लैक लगाऊंगी ताकि स्मोकी इफेक्ट आए। ये देखिए थोड़ा सा ही लिया मैंने, और मैं यहाँ पे पर्पल भी नहीं मिक्स करूँगी और ब्लैक भी नहीं मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा करूँगी कि दोनों ही शेड मेरे दिखें। आप देख सकते हैं मैं ऊपर के साइड नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ नीचे प्लेस कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा पर्पल दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ब्लैक दिख रहा है। आपको भी ऐसे ही लगाना है अगर आपको ऐसा आई शेडो चाहिए तो। कुछ अगर आप दो तीन कलर में लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लगाएं ताकि आपके सारे कलर्स एक साथ दिखे। देखिए दोनों मेरा सेम हो गया है, और मेरा पर्पल ब्लैक ब्लू सब एक साथ ही दिख रहा है आपको। शायद कैमरे पे फोकस नहीं कर रहा है मेरा, तो क्योंकि मैं वाइट लाइट में ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसके लिए आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो काफ़ी तीनों ही चारों कलर मेरे अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी मैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाऊंगी थोड़ा सा शाइन देने के लिए। आप कोई भी एक छोटा ब्रश लें और उसके बाद से कलर लेके यहाँ पे प्लेस करें। ये देखिए उसके बाद से इसी पेंसिल ब्रश की मदद से मैं पिंक कलर लेके लोअर लैश पे लगाऊंगी नीचे। ये देखिए दोनों आईज पे हो गया है। इसके बाद से मैं ये टेप रिमूव कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना शार्प लुक आया है टेप रिमूव करने के बाद। उसके बाद से देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने फाउंडेशन लगाया था वो निकल गया है, तो उसे मैं एप्लीकेटर की मदद से वापस से अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए मेरा क्लियर हो गया है। आप कभी भी ध्यान रखें, अगर आप टेप लगा के मेकअप कर रहे हैं तो जब आप टेप रिमूव करते हैं तो ध्यान दें, उसके बाद से जब आप फाउंडेशन लगाएं तो एजेस को छोड़ के लगाएं, वरना आप अगर नॉर्मली बनाने को जाएंगे तो वो नहीं बनेगा वापस से, और टेप लगा के भी बनाएंगे तो नहीं बनेगा सेम टू सेम। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैक के कॉम्पैक्ट, ये मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट है, तो इसे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पफ ले लिया है और टैपिंग मोशन में लगाऊंगी मैं। फाउंडेशन पहले लगाने का मतलब है कि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है, तो उससे जो लुक आता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी भी आई मेकअप करने से पहले आप फाउंडेशन लगा लें। अगर आपको ये डर लग रहा है कि हाँ आई फाउंडेशन लगाने के बाद आई शेडो गिरता है, तो यहाँ पे एक्सेस पाउडर लगा लें कि डस्ट आउट कर सके आप पाउडर को। तो यहाँ पे मेरा कॉम्पैक्ट लगा के हो गया है, और यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी।
कॉन्टोरिंग तो नॉर्मली करते ही हैं नाइट मेकअप में, तो अगर आपका फेस ज़्यादा ब्रॉड है तो आप कॉन्टोरिंग ज़रूर करें ताकि वो शार्प लुक आए और दिखने को भी आपका फेस काफ़ी शार्पनेस दिखे और पतला दिखे, तो जो आप मेकअप करेंगे तो उसका लुक भी काफ़ी उभर के आएगा। तो यहाँ पर मैंने कलर एसेंस का कॉन्टोरिंग लिया है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसे। अब अगर आपको नहीं जमता डायरेक्ट लगाने के लिए तो आप पाउट फेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग सेल्फी लेने के लिए करते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पे तो मुझे अभी हैबिट हो गई है तो मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। लाइन शार्प नहीं दिखनी चाहिए आपकी, ताकि आपको सामने से देखे तो ऐसा लगे कि नहीं आपका फेस काफ़ी आपके फेस के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं सारा कॉन्टोरिंग करूँगी। यहाँ पे मैं जॉ लाइन को कर रही हूँ, जॉ लाइन को आप खाली यहाँ से ना करके छोड़े, यहाँ से ना कर, ये जो पोर्शन आपका दिखता है इसको भी आपको कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ, ताकि आपका फेस ऐसा दबा दबा दिखे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से करके छोड़ देते हैं और ये दोनों पार्ट अलग अलग दिखता है, जैसे लगता है यहाँ पे कुछ किसी ने लाइन बना दी हो। तो ऐसा ना करें, आप यहाँ तक आपको ब्लेंड करना है। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, और ये आपका जो जॉ लाइन है ये आपको अच्छे से ब्लेंड करना है यहाँ पे। ये देखिए अभी आप मुझे देखेंगे तो ये मेरा लटका हुआ नहीं लगेगा, ये काफ़ी दबा हुआ लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं मेरा फेस इतने में ही है। तो आप कभी भी यहाँ ना लगाएं, यहाँ ही सिर्फ ना लगाएं, यहाँ से यहाँ तक का आपको लगाना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत लोग यहाँ पे भी लगाते हैं इसको पतला दिखाने के लिए, बट मेरा ये नेक काफ़ी ठीक है, मेरा सिर्फ जॉ लाइन थोड़ा बड़ा है तो मैंने उसको कट किया है। और यहाँ पे मैंने फॉरहेड भी कर लिया है और नोज़ के लिए मैं इसी ब्रश से करूँगी। मेकअप करना बहुत इजी है गाइस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रोसेस याद रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा मेकअप कर सकते हैं, एक ट्रेनर से अच्छा आप मेकअप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। तो यहाँ पे देखिए मेरी कंटूरिंग हो गई और मेरा फेस कितना शार्प दिख रहा है। अभी चलेंगे ब्लश की तरफ, तो ब्लश लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज मैक की ब्लश पैलेट ली है, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे शेड है, तो आज मैं पिंक लगाऊंगी। और ज़्यादा नहीं लगाना है, डस्ट आउट करना है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और टैपिंग मोशन में लगाना है। ये देखिए नाइट में है, अगर आपको ब्लश पसंद है तो आप ब्लश ज़्यादा भी लगा सकते हैं, नाइट में कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये करवा चौथ मेकअप लुक है ट्रेडिशनल, तो आज मैं आपको यूनिक कलर में बता रही हूँ, ब्लू और पिंक में, नहीं तो ऑलमोस्ट रेड में ही आपको देखने को मिलता है। और ये सीरीज़ में जब तक करवा चौथ है तब तक मैं आपको काफ़ी मेकअप दिखा दूँगी, और मैंने इसके पहले भी दो मेकअप मैंने अपलोड किए हैं करवा चौथ के लिए, करवा चौथ के रिकॉर्डिंग, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना अगर जिन्होंने नहीं देखा है। ये देखिए ऐसा, ये भी पिंक करते थे हम लोग, देखिए। इसके बाद से मैंने शिवाना की पैलेट ली है हाइलाइटर के लिए और ये हाईलाइट करूँगी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है हाइलाइटर, कितना मस्त लग रहा है। इसकी भी लिंक दे दूँगी, मैंने नए अगले वीडियो में भी दी है इसकी लिंक, इसमें आपको काफ़ी अच्छा पड़ता है, इसमें कॉन्टोरिंग होता है, ब्लशिंग होता है, हाईलाइटिंग के 3-4 शेड रहते हैं। यहाँ पे मैंने MN की लिप पेंसिल ली है, इसे भी मैंने ऑनलाइन बाय किया है, ये 12 पीस का सेट आता है, आपको हर कलर मिल जाता है। तो मैं अपने लिप को ड्रॉ करूँगी, और ये काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी अच्छा है ये,
और इसे एज अ आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है। इसे लगा के आप, अगर आपका कलर डार्क नहीं हो रहा है तो इसे आप आई शेडो पर लगा के और उसके बाद से आप पाउडर आई शेडो लगाएं तो काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन का पिंक लिपस्टिक लिया है, ये मेबलिन की है। आपको इसमें रेड दिख रहा होगा बट ये पिंक है, ये देखिए। और ये ग्लॉसी है, मैंने इसे मैट में नहीं लगाया है क्योंकि नाइट में थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट अच्छा लगता है। इसमें रेड दिख रहा है बट ये एक जेट पिंक है। ये जो मैंने बैंगल्स पहनी है ये वो कलर की है बट इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे आज मैं ब्लू लाइनर लगाने वाली हूँ, तो चलिए इसे लगाते हैं। और ये लाइनर मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया है, लोकल मार्केट से मैंने 50 रुपीज़ का लिया है। तो इसकी लिंक तो मैं नहीं दे दूँगी आपको, ऐसे भी ऑनलाइन बहुत सारे लाइनर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के ले लेना। और ऑनलाइन अभी काफ़ी ऑफर चालू है, तो चलिए लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने विंग ड्रॉ कर ली है, अभी चलते हैं काजल लगाते हैं। तो काजल के लिए मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने मेबलिन की काजल ली है, ये काफ़ी डार्क है। आप ब्लू काजल भी लगा सकते हैं बट मैंने ऊपर ब्लू रखा है, नीचे ब्लैक रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है, अभी मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो मैं भी मस्कारा भी मैं मेबलिन का ही लगा रही हूँ। और मेरी लाइनर सूख चुकी है उसके बाद मैं लगा रही हूँ। आप कभी भी ध्यान रखें कि अगर आप लाइनर लगा लिया है आपने तो फिर उसे सूखने दें, नहीं तो आप मस्कारा लगाएंगे तो जब लैशेस पुल आउट होंगे ऊपर की साइड तो फिर आपका लाइनर खराब हो सकता है। यहाँ पे मैंने मस्कारा भी लगा लिया है और मैं पैक के आईलैशेस लगाऊंगी, तो मैं उसे लगा के आती हूँ। तब तक मैं मेकअप फिक्सर से पहले मेकअप सेट कर लेती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का डुई मेकअप फिक्सर है। तो ये गाइस मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए मैं मिलती हूँ मेरी ज्वेलरी और फॉल्सेस लगा के। ज्वेलरी वेयर करके आ गई हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये एक्चुअली ये सेट इसका था, मैंने ये अलग से पहना है, थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा बट करवा चौथ के लिए सब कुछ चलता है। और यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वेयर की है पिंक कलर की क्योंकि इसमें बॉर्डर पिंक है। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थर्ड मेरा करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल है, आज अभी करवा चौथ के और 2-3 मेकअप में लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ताकि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले, मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।